डियर फ्रेंड्स, वी विल स्टडी फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन. इट इज पार्ट थ्री और थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज 13th by 11th. सो अंडर दिस वी विल स्टडी डार्क रिएक्शन और विच इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज. डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज. बायोसिंथेटिक फेज मीन्स एट द लास्ट ऑफ दिस साइकिल द प्रोडक्ट विल बी, वी विल गेट द प्रोडक्ट स्टार्च और सुक्रोज और ग्लूकोज C6H12O6. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज. सो देर आर टू पार्ट ऑफ दिस डार्क रिएक्शन. सम प्लांट फॉलो कैल्विन 3C3 साइकिल एंड अदर प्लांट्स फॉलो C4 साइकिल. C3 साइकिल इज कैल्विन साइकिल एंड C4 साइकिल इज हैच एंड स्लैक साइकिल. इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड दिस साइकिल. सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फॉलो दिस साइकिल, कैल्विन साइकिल, विच इज नोन एज C3 प्लांट. इन C3 प्लांट इट इज ऑप्टेड. सो इट इज वेरी कॉमन. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस कैल्विन साइकिल. सो इट इज कैल्विन साइकिल एंड इन सेकेंड पार्ट इट इज हैच एंड स्लैक साइकिल. सो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन फिक्सेशन. एटमोस्फेरिक कार्बन विल कंबाइन विथ RuBP, विच इज ए 5 carbon element, 5 carbon compound. फुल फॉर्म ऑफ RuBP इज राइबोलोज 1,5-bisphosphate. सो R इज टेकन फ्रॉम एयर, U फ्रॉम एयर एंड P फ्रॉम एयर. राइबोलोज RuBP राइबोलोज 1,5-bisphosphate. सो नाउ इट कंबाइंस विथ CO2. सो 1 carbon molecule इज एडेड एंड इट बिकम्स 6 carbon molecule. 6 carbon molecule के कंपाउंड बन जाते हैं जो बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. दो 2 PGA बनता है. PGA फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड. तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है दैट इज रुबिस्को एंजाइम. रुबिस्को एंजाइम फुल फॉर्म RuBI, यहाँ पर तो है RuBI C&O. C stands for carboxylase and O stands for oxygenase. इसका मतलब ये जो एंजाइम है ये कार्बोजाइलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है. मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. सो यहाँ पे 2 PGA बन गया, विच इज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. इसके बाद देखिए क्या बनता है. PGA और ग्लाइसरेट यहाँ बन जाता है. ये यहाँ पर इसको फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं. फॉस्फोरिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट. सो इसलिए यहाँ पर फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है यहाँ पर इसमें बनने के बाद ये 2 BPGA बाय फॉस्फो. यहाँ 1 फॉस्फेट ऐड हुआ तो 2 इसमें आ गया 2 बाय फॉस्फेट ग्लाइसरेट BPGA. फॉस्फोरिलेशन में फॉस्फेट जुड़ता है और ये बन जाता है BPGA से. इसमें 2 ATP मोलिक्यूल लगते हैं. ATP मोलिक्यूल जो वहाँ बने थे लाइट रिएक्शन में वो यहाँ पर आके यहाँ पर खर्च हो जाता है. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. इसके बाद क्या होता है? देन रिडक्शन प्रोसेस. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ NADPH जो वहाँ बना था लाइट साइकिल में वो हाइड्रोजन का यहाँ पर एडिशन हो जाता है और ये फिर NADP अपना ओरिजिनल फॉर्म में आकर के उस फिर जो है फोटोसिंथेटिक जो लाइट रिएक्शन था उसमें चला जाता है. तो ये हाइड्रोजन का जुटना दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. और रिडक्शन के बाद यहाँ पर ये स्टार्च और सुक्रोज बनता है. यहाँ पर दिया हुआ है रिडक्शन के बाद ये यहाँ पर जो बायफॉस्फोग्लाइसरेट था वो PGAL बन जाता है जिसको ट्रायोज फॉस्फेट भी बोलते हैं. जो यहाँ पर ये आ जाता है और इस तरह से इसके बाद फिर PGAL के बाद इसको यहाँ ग्लूकोज बन गया, सुक्रोज बन गया और उसके बाद फिर उसको रीजनरेशन के लिए RuBP बनना है. तो यहाँ पर देखिए 3 carbon molecule एक यहाँ चला आया और एक यहाँ चला जाता है. तो इस तरह से फिर साइकिल रोटेट होता है. नाउ NCERT साइलेंट अबाउट दिस कि ये 3 carbon से 2 carbon कैसे बनता है. NCERT में ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है कि 3 carbon से RuBP जो 5 carbon element है ये 2 carbon कहाँ से आया. दूसरी बात ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये
सिक्स राउंड, ये वन राउंड है इसमें, यहाँ पर वन CO2, तो ये यहाँ पर डिवाइड होकर के एक थ्री कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ रह गया, थ्री कार्बन कंपाउंड एक यहाँ चला गया। इस तरह से सिक्स साइकिल बनेगा। सिक्स साइकिल बनने से क्या होगा, यहाँ तो हमको थ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में नहीं बताया हुआ, ये लिखा हुआ कि ये सिक्स टर्म्स होता है और सिक्स साइकिल के बाद वन ग्लूकोज सुक्रोज या स्टार्च मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें कितना खर्च क्या होता है, यहाँ देखिए थ्री TAP ATP खर्च होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक ATP यहाँ लगा था जो थ्री कार्बन से दो मॉलिक्यूल जो RUBP बनता है, एक यहाँ पे एडिनोसिन ATP यहाँ लगा है और दो ATP वहाँ लगा है, तो टोटल थ्री ATP लगा जो कि थ्री ADP में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और NADPH जो है यहाँ पर टू भी मॉलिक्यूल लगा है, ये NADPH जो कि मेन रिडक्शन में इस्तेमाल होता है, ये यहाँ पर लगा है। तो इस तरह से यहाँ छः मॉलिक्यूल अगर होगा तो यहाँ 12 आ जाएगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में थ्री ATP लगेगा और टू NADPH लगेगा, तो टोटल सिक्स मॉलिक्यूल में 18 ATP एंड 12 NADPH लगेगा। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ये यहाँ पर जो है ये BPGA जो है 1,3 बाई फॉस्फोग्लैसरेट नहीं बन के बाय फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। ग्लाइकोलेट बनने के बाद ये फिर जो है रेस्पायरेटरी ट्रैक पकड़ लेता है, जो हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन में पढ़े थे, ये ऐसा होता है। तो उसको और वो ऑक्सीजन और वो CO2 को रिलीज करना शुरू कर देता है, तो ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देता है, तो उसको जो है फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं। ये यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन इन केल्विन साइकिल इफ PGA डाइवर्ट्स टू रेस्पायरेटरी पाथवे। ये PGA जो है ये डाइवर्ट कर गया रेस्पायरेटरी पाथवे में ड्यू टू लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब लो हो जाता है और ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये जो एंजाइम इसमें प्रेजेंट है रोबिस्को, ये ऑक्सीजन के साथ इसका एफिनिटी हो जाता है और ये रेस्पिरेशन वाला ट्रैक पकड़ लेता है और यहाँ ये इस एंजाइम के चलते, और इस तरह से ये जो है वेस्टेज हो जाता है। सोयाबीन के प्लांट में देखा गया कि 50% जितना यहाँ पर वो PGA बनाया उसका 50% लॉस हो जाता है इसमें। ये मैक्सिमम फोटो रेस्पिरेशन इज फाउंड इन सोयाबीन प्लांट, तो ये एक वेस्टेज है, वेस्ट का यहाँ वेस्ट प्रोसेस है इस जगह में, तो ये लेकिन यह इस एंजाइम के वजह से होता है इसका, और कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम होता है और ऑक्सीजन का जब ज़्यादा हो जाता है तो ये इस तरह से फोटो रेस्पिरेशन होता है। इसका मतलब है कि ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब तक कुछ CO2 का खपत होगा उसके बाद ही ये होगा ना, उसी को फिर बैक करने लग जाता है, तो ये अर्ली आवर्स में नहीं होगा ये, ठीक है। नाउ द सेकंड पाथवे इज C4 पाथवे विच इज हैच एंड सेलेक्ट पाथवे। अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज कहाँ हो रही है, हम लोग को ये नहीं भूलना है कि ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है, ये दोनों जो है एक्टिविटी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है, वहाँ जो मेसोफिल सेल है उसमें हो रहा है, आइदर दिस C3 पाथवे और C4 पाथवे, इसको जो डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट उस पर डिपेंड करते हैं, ये होता है कि कौन सा पाथवे वो एडॉप्ट किया हुआ है। ये मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है, उसके अंदर जो लिक्विड है वाटर लिक्विड है वहाँ पर हो रहा है। C4 प्लांट में क्या होता है ये देखिए, ये एटमोस्फेरिक CO2 को यहाँ SCO3 बन गया और यहाँ PEP है, PEP का नाम है, यहाँ देखिए क्या है, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, PEP फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट जो है थ्री कार्बन कंपाउंड है, ये CO2 से मिलकर के फोर कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये कार्बन फिक्सेशन यहाँ भी फर्स्ट प्रोसेस है और वहाँ भी फर्स्ट प्रोसेस कार्बन फिक्सेशन है। उसके बाद ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू मैलिक और एस्पार्टिक एसिड, मैलिक और एस्पार्टिक एसिड में होता है। उसके ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, इसके अंदर से ये दूसरे सेल में चला जाता है, इसको बंडल सीट सेल बोलते हैं, ये C4 प्लांट में होता है बंडल सीट सेल, वहाँ पर ये जो है
मैलिक एसिड जो है, ये मैलिक एसिड एमए शॉर्ट में लिखें, एमए जो है वहाँ चला जाता है और वहाँ पर उसका डिकार्बोजनेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन। यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल निकल गया और ये फिर PGA बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट चलता रहता है। और यहाँ पर जब CO2 बनता है, ये यहाँ C3 पाथवे जरूरी है, ये चलता रहता है प्लांट के अंदर में। तो कैल्विन साइकिल इज मस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ प्लांट, वेदर इट इज C3 प्लांट और C4 प्लांट, वो उसमें इंक्लूडेड है। कैल्विन साइकिल होगा ही, लेकिन C4 प्लांट में एडिशनल जो है, ये जो प्रोसेस जो हो गया, दैट इज कॉल्ड हैच एंड स्लैक पाथवे, ये चीज होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये यहाँ चला आया, फिर ये जस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ से मैलिक एसिड का भी ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ डिकार्बोजाइलेशन है, यहाँ कार्बोजाइलेशन है, यहाँ डिकार्बोलाइजाइलेशन है, और PGA जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PEP बन जाता है, PEP फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, PEP अब फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। ये क्यों बनता है, इसके लिए जो एंजाइम है PEP कार्बोजाइलेज का जो है जरूरत है, ये कार्बोजाइलेज यहाँ प्रेजेंट रहता है, जो इससे जो है वो ऑक्सलोएसिटिक एसिड बनता है। और इस पार्ट में रूबिस्को जो एंजाइम था वो यहाँ नहीं होता है, इसीलिए कैल्विन साइकिल जो है यहाँ पे नहीं परफॉर्म होगा, यहाँ मतलब मेजोफिल सेल में नहीं होगा, ये इधर जो है C4 प्लांट के मेजोफिल में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है, वहाँ सिर्फ जो है PEP कार्बोजाइलेज होता है, और ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये इसके बंडल शीत सेल में होता है, इसलिए यहाँ पर क्रेब्स, ये जो साइकिल है इसका, सॉरी कैल्विन साइकिल, ये यहाँ पर चलता रहता है। इसका 4 स्टेज है जो वहाँ दिखलाया गया है, 1, 2, 3, 4, कार्बन फिक्सेशन, देन फॉस्फोरिलेशन, ये फॉस्फोरिलेशन, देन रिडक्शन, ये एंड देन नेक्स्ट रिजनरेशन, रिजनरेशन सभी में होगा, यहाँ भी है रिजनरेशन और यहाँ भी रिजनरेशन हो रहा है, इसमें यहाँ पर ये रिजनरेशन है। तो इस तरह से ये दोनों साइकिल कंप्लीट हो गया। अब जो है बंडल शीत सेल जो है इसमें, जो C4 प्लांट में बंडल शीत सेल में, इसमें थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसी पे, उसको जो है लीफ जो है उसका एनाटॉमी अलग होता है, दैट इज कॉल्ड करंज एनाटॉमी। करंज एनाटॉमी मतलब सर्कुलर और रिथ, माला के तरह का होता है, एक जो लीव्स है एक तरह से इस तरह से माला सर्कुलर फॉर्म में वहाँ पर होते हैं, दैट इज नोन एज करंज एनाटॉमी, इट इज फाउंड इन C4 प्लांट। C4 प्लांट का एग्जांपल देखिए क्या क्या है, मीज मकई में होता है, सौरगम ज्वार में होता है, और शुगर केन में होता है, और भी होते होंगे बट दिस 3 आर वेरी पॉपुलर एंड कॉमन। तो यहाँ पे करंज एनाटॉमी होता है लीफ का, और उसके सेल का जो उसमें थिक वॉल होता है, और नो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट में ऐसा होता है, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है फोटो लाइट की इंटेंसिटी को टॉलरेट करते हैं। तो ये C4 प्लांट, और उसके चलते उसका बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसका प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा होता है, यहाँ इसमें हाई लाइट इंटेंसिटी, ग्रेट प्रोडक्टिविटी, एंड नो फॉस्फोर रेस्पायरेशन। C3 प्लांट में फॉस्फोर रेस्पायरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा, ग्रेटर यहाँ प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव ऑफ बायोमास। और इन लोअर एटीट्यूड, ये जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है ये लोअर एटीट्यूड में होगा, अगर इन प्लांट को हम जो है जैसे मेज हुआ या शुगर केन, अगर हम हाई अल्टीट्यूड में लेके चले जाएंगे तो वहाँ इसका प्रोडक्टिविटी घट जाएगा, उस C3 वाले से प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाई लाइट, हायर टेम्परेचर नहीं है अल्टीट्यूड पर, और जो है ये हाई इंटेंसिटी भी नहीं है। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो गया आप लोग का। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।